क्वालिटी काफ़ी है यहाँ पे। 14 इंच तक चौड़ाई है, लंबाई है 25। इस तरह उंगली के ऊपर इस थ्रेड पे ऐसे रखता है, ये इजी तरीका है। यहाँ पे ऐसे कर लेना, फिर इधर ऐसे 1 2 3 3 चैन, यहाँ पे 1 2 और 3 3 चैन, फिर 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 3 डबल चेन, 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3 अब इस रोल को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, 1 2 3 यहाँ पे इसको टैप कर देना है। अब इसके ऊपर 3 के ऊपर से बंद कर दूंगी स्टिच, यहाँ पे 3 चेन, इसको थोड़ा सा टाइट कर दूंगी। ये इधर साइड पे हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरह कटिंग कर दूंगी। इसको बैक साइड पे चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, यहाँ पे इस तरह इसको 2 बार प्रेशर कुकर बोल को लपेट कर ये जो 3 चेन है, 3 चेन के सेंटर वाले चेन को ट्रिपल चेन बनाना है इसके ऊपर। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, 1 2 3 3 चेन बनाने का, यहाँ पे 1 2 और 3। अब इस तरह 2 बार रोल को लपेट कर ये 3 चेन है सेंटर वाले चेन में एक ट्रिपल बनाना है चेन। अब उसके बाद यहाँ पे 3 चेन, यहाँ पे 1 2 और 3 चेन इधर बनाया है, फिर यहाँ पे 1 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इधर 1 2 3 3 चेन। अब यहाँ पे इस तरह वूल को प्रेशर कुकर लपेटना है 2 बार। 2 बार लपेटने के बाद यहाँ पे 1 2 3 फिर इस वूल में इस गैप में 6 डबल चेन बनाने, 1 2 3 3 बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन, इस तरह 2 बार इसको ऊपर लपेट लेना है। इस तीसरे चेन को ऊपर ट्रिपल चेन बनाना है, 1 2 वूल को एक बार निकालना है, फिर 2 को फिर 2। अब यहाँ पे इस गैप में 1 2 और 3
थ्री चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें बंद कर दूंगी। अब इसमें यहाँ पे 1 2 3 चेन, 1 2 3 और 4 चेन बनाने हैं। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाने के बाद इस ट्रिपल चेन के ऊपर इस तरह बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 चेन बनाने के बाद इधर 1 2 और 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इधर 1 2 3 चेन, यहाँ पे 1 2 चेन, फिर इस ट्रिपल चेन के ऊपर बंद कर देना है स्लिप स्टिच इस तरह। यहाँ पे 1 2 चेन, फिर इधर 1 2 और 3 चेन, 1 2 3 इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन और 1 2 इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया 3 चेन। अब इसमें फर्स्ट में से बंद कर दूंगी। अब इसको इस साइड पे लेना है इधर, यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर इसी में 1 2 3 और 4 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 चेन पर यहाँ पे ट्रिपल चेन में एक डबल चेन, 1 2 चेन, फिर इधर 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 चेन बनाए हैं मैंने, फिर इधर 1 2 3 चेन, फिर इसमें 4 चेन, 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 चेन, फिर इधर 1 2 चेन बनाने के बाद इस ट्रिपल चेन के ऊपर एक चेन, यहाँ पे 1 2 1 2 3 3 और 4 यहाँ पे 4 डबल चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 4 डबल चेन के साथ। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 2 3 इसके ऊपर। अब यहाँ पे कटिंग कर दूंगी, इसमें इस गैप में 1 1 2 और 3 यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद इधर इसके बैक साइड पे यहाँ पे बैक साइड पे ये जो चेन है इसके पीछे इन 4 चेनों को बैक साइड पे ऐसे उठा लेना है 3 इस तरह इसको रेशो को डालकर इधर, फिर ऐसे पीछे से 4 चेन, फिर यहाँ पे 2 बार रेशे के ऊपर बोल को लपेट कर ये जो पहले से रेड बनाया था इसी के ऊपर 1 2 3 ये ट्रिपल चेन है। ट्रिपल चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये स्लिप स्टिच किया था उसी के ऊपर इन तीनों को एक साथ निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इसको लपेट लेना है, फिर इसी चेन के ऊपर ऐसे 1 2 3
थ्री बार। अब इसको बैक साइड पे यहाँ पे टू ट्रिपल चेन बन गया, इसको बैक साइड पे इस तरह बार देना, वन टू थ्री फोर चेन, यहाँ पे फोर चेन मैंने उठा ली। अब इधर वन टू और थ्री। अब इन फोर के पीछे बैक साइड पर यहाँ से डाल कर इधर वन टू थ्री फोर, यहाँ पे इस तरह बनाना है फोर बार। फिर यहाँ पे ट्रिपल चेन, इधर वन टू थ्री, थ्री बार यहाँ पे ट्रिपल चेन। अब इसके ऊपर ये जो स्लिप स्टिच किया था उसके ऊपर तीनों बार इसको एक साथ, तो वन टू टू वन टू थ्री। अब इन फोर के पीछे बैक साइड पे इसको ऐसे उठा कर इस तरह फिर इन दोनों को एक साथ निकालना है। फिर इस चेन के ऐसे पीछे की तरफ कर गए, वन टू थ्री और फोर, इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये मैंने फोर्ड किया, कंप्लीट कर ली है, वन टू थ्री फोर। अब यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री के सेंटर में जो है उसमें थ्री चेन बनाए थे, उसके ऊपर वन टू थ्री चेन, फिर इसके ऊपर यहाँ जो सेंटर में बनाए थे थ्री चेन, इसके ऊपर एक वन टू थ्री थ्री चेन, फिर यहाँ पे वन चेन एक को छोड़कर दूसरे में वन टू और थ्री, यहाँ पे थ्री चेन एक को छोड़ के एक चेन छोड़ के दूसरे में वन टू और थ्री थ्री चेन, यहाँ पे वन चेन, फिर एक छोड़ के इधर वन टू और थ्री थ्री चेन, यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चेन बनाने के बाद इसी में इस जहाँ पे पहले बनाए थे इसी में एक चेन वन टू और थ्री थ्री चेन, फिर वन चेन एक छोड़कर दूसरे में वन टू थ्री। एक छोड़ के दूसरे में वन टू और थ्री थ्री चेन, फिर वन चेन छोड़ के यहाँ पे वन टू और थ्री, यहाँ पे वन टू थ्री चेन, फिर इसी में यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट कर वन टू थ्री, अब इसको यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चेन, फिर इधर फर्स्ट में वन टू थ्री, इसके सेंटर में यहाँ पे एक डबल चेन, फिर टू और थ्री, यहाँ पे थ्री चेन, अब वन चेन, वन चेन के बाद इधर छोड़ के एक को
थ्री, फिर वन चेन एक सुराख के दूसरे में, वन टू और थ्री। यहाँ पे ये मैंने फोर टिकिया कंप्लीट कर ली है। अब इधर यहाँ से उठाकर यहाँ अटैच करना है। इसी तरह बनाते जाना है सेम ऐसे ही, जैसे यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 डबल चेन बनाने हैं, इधर भी 12, वन एक को छोड़ के दूसरे, वन टू और थ्री, थ्री चेन फिर वन चेन एक को छोड़ के दूसरे में, ये कहाँ से आ जाए, वन टू और थ्री, थ्री पे ये मैंने यहाँ पे अब वन टू थ्री फोर, फोर चेन फिर इसी में यहाँ पे वन टू और थ्री, थ्री चेन फिर वन चेन एक छोड़ के इसमें, वन टू टू थ्री फिर वन चेन यहाँ पे वन छोड़ के टू में, वन टू थ्री फिर वन चेन इसको छोड़ कर, इसको वन को छोड़ के टू यहाँ पे, वन टू थ्री फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चेन फिर इसी में, यहाँ तक इन फोर के यहाँ तक ऐसे ही बनाना है। इधर भी इधर पे इधर अब वन टू टू और इसके सेंटर में थ्री, यहाँ पे थ्री फिर वन चेन, वन चेन बनाने के बाद इसके यहाँ पे सेंटर में बंद कर देना है, फिर वन चेन इसी में जो ये चेन बना हुआ था उसके साथ ही एक डबल चेन, वन टू और थ्री, यहाँ पे थ्री चेन फिर वन चेन, इसी तरह सेम राउंड को कंप्लीट करना है जैसे पहले बनाया था, वन टू थ्री, इसी तरह इनको यहाँ से करके यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर मैंने ये फोर कंप्लीट कर ली हैं, वन टू थ्री फोर, फोर के बाद यहाँ पे वन चेन, वन चेन बनाने के बाद एक डबल इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इधर ऐसे वन वन टू थ्री, थ्री चेन यहाँ पे वन टू थ्री चेन फिर वन चेन फिर इसमें, वन टू थ्री फिर वन चेन, ये राउंड इस ऐसे ही कंप्लीट करना है, इस राउंड की तरह सेम इस राउंड की तरह इसे भी कंप्लीट करना है, वन टू और थ्री, थ्री चेन फिर वन चेन इस गैप में, फिर थ्री चेन वन टू और थ्री, फिर यहाँ पे वन चेन फिर इधर वन टू थ्री, थ्री चेन इसी तरह यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चेन फिर इसी में इस गैप में, वन टू थ्री, थ्री चेन फिर वन चेन फिर इधर, वन टू और थ्री फिर वन चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है यहाँ तक, वन टू थ्री फिर वन चेन।
इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस राउंड में इधर 3 चेन, अब इधर इसके ऊपर यहाँ पे इन 3 चेन को छोड़कर 3 इसको छोड़ने हैं, इनको भी छोड़ने के बाद यहाँ पे डबल चेन इधर 3 छोड़े, इनको भी छोड़ के इसमें 1 1 2 और 3 3 चेन, फिर 1 चेन, इसी तरह इसको कंप्लीट करना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर भी इस तरह का यहाँ पे इन तीनों को छोड़कर अटैच करना है। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद फिर इधर 1 2 और 3 3 चेन, फिर 1 चेन, 1 2 और 3 3 चेन। यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना है जैसे इस साइड पे बनाया था, इधर भी मैंने इस तरह 3 चेन बनाए हैं। इसी तरह इसको कंप्लीट करना है यहाँ तक। यहाँ पे ये रेड कलर मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे इनको छोड़ के जैसे ये किया था ऐसे ही सेम इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 और 3 3 चेन, फिर 1 चेन, फिर इस गैप में इस साइड से भी मैंने ऐसे ही मुकम्मल किया है, ऐसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ भी ये रेड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब वाइट यूज़ कर रही हूँ। 1 2 3 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, फिर इसी में 1 1 चेन, फिर इधर 1 2 3 3 डबल चेन, फिर 1 चेन, 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर इसी में 1 2 3 चेन। अब यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के इधर इस तरह 1 2 3, फिर 1 चेन, तो चलिए इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 चेन और यहाँ पे ये मैंने 7 राउंड में से कंप्लीट किया है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 राउंड में मैंने इसे कंप्लीट किया है। वाइट 2 राउंड है, एक रेड है, वाइट रेड वाइट है, 7 राउंड है। अब यहाँ पे डिजाइन बनाना है। अब यहाँ पे डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए रेड रेड में डाल कर 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पे इन तीनों के मैं से बंद कर दूँ इस तरह। वन चेन के बाद इसके फास्ट में यहाँ पे बंद कर दूँगी, फिर बैक पे 1 बैक साइड भी था 1 चेन, फिर 1 2,
टू चेन के बाद एक है वन चेन, वन टू थ्री चेन, थ्री चेन के बाद यहाँ पे फिर एक चेन, यहाँ पे डबल चेन, डबल चेन, फिर वन टू चेन बनाने के बाद इधर एक डबल चेन, यहाँ पे टोटल वन टू थ्री फोर डबल चेन बनाया है मैंने। फिर से भी वन टू थ्री फोर डबल चेन। अब इसके बाद इधर फर्स्ट चेन पर इसे बंद कर दूंगी, फिर वन चेन, वन चेन के बाद फिर इसके ऊपर इस तरह यहाँ पे चेन बनाया। अब फिर इधर मोड जाऊंगी बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे, और फिर इसमें वन डबल चेन, फिर वन टू चेन बनाने के बाद इसी में वन डबल चेन, यहाँ पे वन थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी, फिर वन टू वन वन टू थ्री चेन, इसमें एक डबल चेन, फिर यहाँ पे वन टू चेन बनाने के बाद फिर इधर डबल चेन, यहाँ पे ये टू डबल चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर इधर अब यहाँ पे वन टू थ्री, इसमें बंद कर, इसमें बंद किया है। अब वन चेन, वन चेन के बाद इस फर्स्ट चेन के ऊपर अब लोग जान लेते हैं। अब फिर यहाँ पे इसमें वन डबल चेन, फिर वन टू चेन, फिर इसी में वन डबल, यहाँ पे इस तरह देखो टू डबल चेन, ये थ्री राउंड है। अब यहाँ पे वन टू थ्री चेन, इधर बंद कर दूंगी, वन टू थ्री चेन, इसमें बंद कर दूंगी, वन टू थ्री चेन, इधर वन टू चेन, फिर इसी में डबल चेन, यहाँ पे भी टू डबल चेन, यहाँ पे वन डबल चेन। अब इसमें इस फिर वन चेन अंदर, यहाँ पे सेंटर में टू चेन है, फिर इधर स्लिप स्टिच बना दिया है, यहाँ पे टू डबल चेन, इधर भी वन टू थ्री, यहाँ पे फिर टू डबल चेन। अब इधर बैक साइड पे मुड़ जाऊंगी, अब इसी में वन टू टू डबल चेन, फिर वन टू चेन, टू चेन के बाद इधर वन डबल चेन, ये वन डबल चेन। अब यहाँ पे वन टू टू डबल चेन के बाद इसमें टू चेन के बाद इसमें वन डबल चेन और टू डबल चेन, फिर वन टू वन, और यहाँ पे भी फोर डबल चेन, और इसको छोड़कर इस सेंटर में इसको छोड़कर यहाँ पे टू डबल चेन। अब यहाँ पे वन चेन के बाद इसको छोड़ देना है, इसमें वन और टू डबल चेन, फिर वन टू चेन, इसी में वन और टू डबल चेन। यहाँ पे ये राउंड है फोर डबल चेन का, यहाँ पे भी फोर डबल चेन, इसमें भी फोर, इसमें फोर डबल चेन। अब इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी ऐसे। अब वन चेन के बाद इस नेक्स्ट में
अब इधर मुड़ जाऊंगी साइड पे, बैक साइड पे। अब यहाँ पे पानी दो डबल चेन, फिर पानी को दो चेन के बाद इधर पानी और दो डबल चेन, वन चेन। अब इसके ऊपर यहाँ पे पानी थ्री फोर, यहाँ पे फोर डबल चेन, वन टू थ्री फोर। ये सेंटर में यहाँ पे अभी लगान टू चेन, फिर इसी में वन और टू, टू चेन। इसके ऊपर एक चेन, थ्री और फोर, यहाँ पे फोर चेन, फिर वन चेन। यहाँ पे अब इस राउंड में फोर चेन, इधर भी इधर भी, इसमें फोर चेन, इसमें भी। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव राउंड। अब यहाँ पे वन चेन के बाद इसमें वन और टू चेन, फिर यहाँ पे वन टू चेन, वन और टू चेन बनाने के बाद अब इसके सेंटर में है। अब इसके ऊपर यहाँ पे चेन, वन चेन, वन चेन के बाद इसके ऊपर सेंटर में वन कर दिए है। अब बैक साइड पे इधर वन टू चेन, वन टू, दो चेन बनाने के बाद इधर फिर वन चेन। अब इसके ऊपर वन टू थ्री, थ्री और इधर फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स डबल चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इस राउंड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन बनाए हैं। अब वन टू, टू चेन के बाद फिर इधर वन टू, टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे सिक्स चेन, फिर वन चेन, वन चेन, वन और टू चेन बनाने के बाद इधर बंद कर दूंगी। अब इसे कटिंग कर दूंगी इस तरह। इसी तरह यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट कर दिया है, वन टू थ्री। अब यहाँ पे वन और टू डबल चेन, टू चेन डबल चेन, ये जो है यहाँ ट्रायंगल, इसमें ये बनाना है डिजाइन, ये त्रिकोण है उसमें। अब इसके ऊपर पांच चेन, वन चेन के बाद यहाँ पे वन टू डबल चेन, फिर वन टू चेन,
चेन, फिर वन चेन, इसमें वन और टू डबल चेन, यहाँ पे फोर, इधर टू डबल चेन, फिर वन चेन, यहाँ पे वन टू टू चेन, वन और डबल चेन, यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट करना है। इधर वन चेन, फिर इधर वन और टू चेन, वन चेन इसके ऊपर, वन टू यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 2 3 4 5। और इधर इस साइड पे आप वन टू थ्री डबल चेन बनाने थे, थ्री डबल चेन, वन टू चेन, फिर इसी में वन डबल चेन, टू डबल चेन और थ्री, यहाँ पे थ्री डबल चेन, सिक्स डबल चेन बनाए हैं। अब वन चेन, वन के बाद इधर वन और टू चेन, फिर वन चेन, और यहाँ पे वन टू चेन, वन टू चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर वन चेन, यहाँ पे वन डबल चेन, वन वन डबल चेन, वन थ्री, वन थ्री चेन, वन थ्री, यहाँ पे टोटल फाइव डबल चेन बनाए हैं। वन टू थ्री फाइव बनाने के बाद यहाँ पे फाइव डबल चेन, अभी इधर फाइव डबल चेन, वन चेन, वन चेन, thank you.
पे 5 चेन बनाए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चेन बनाने के बाद 1 चेन फिर इसमें बंद कर दूंगी इधर, और फिर 1 चेन, 1, 3। इस तरह यहाँ तक बनाना है। यहाँ पे मैंने ये 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इधर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 बनाने हैं। यहाँ पे 6 बनाना है, और इसमें 1 कर दूंगी फिर 1। इसके ऊपर मैंने 6 बॉक्स बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया इधर। अब यहाँ पे इनके सेंटर में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉप, अब इधर 1 चेन बनाने के बाद इनके इन 4 डबल चेन के सेंटर में यहाँ पे फिर 1 चेन, 1, 2, 3। पे 1, 2, 3, 4 इधर से 4, और 1 चेन के बाद उसमें बंद कर देंगे 1 चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में इधर डाला है इसके ऊपर 4 चेन कर लिए। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है।